बढ़िया। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, उसके पहले वाली क्लास में डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला था वो था एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला था वो था एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और जो इंटीग्रल था वो था एक्स की पावर एन डीएक्स का जो फॉर्मूला होता था वो होता था पावर ऑफ एन की पावर एन प्लस वन अप एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये एक्चुअली में हमारा जो फॉर्मूला बना था ये एक्चुअली में उसका फॉर्मूला था, किसका, जब हमारे पास इंटीग्रेशन कैसा हो, इनडेफिनेट, कैसा हो, इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट का इंटीग्रल का मैंने क्या समझाया था वो बताते हैं हम आपको। इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल ये रहा। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या जाएंगी, लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखो अभी बताते हैं हम आपको क्या क्या स्थिति रहती है। देखो ये जो हमें आपको इंटीग्रेशन का जो साइन बताया है वो इंटीग्रेशन का जो साइन वो है जो हमने कर्व बनाया था। अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो मैंने एक बहुत बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने हर जगह एक स्ट्रिप काटी थी। देखो मैंने यहाँ पर भी एक स्ट्रिप काटी थी, देखो मैंने एक पतली सी स्ट्रिप काटी थी, बहुत पतली सी स्ट्रिप काटी थी, और इस पतली सी स्ट्रिप की जो लेंथ थी वो थी डीएक्स, और इसकी इसकी हाइट जो थी मतलब इसकी जो ब्रेथ थी वो थी डीएक्स, और लेंथ जो थी वो वाई थी। तो मैंने कहा था भाई इन सबको ऐड करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये साइन इंटीग्रेशन का जो होता है वो एक्चुअली वो इसी कर्व से लिया गया, इसी कर्व से लिया गया है, और ये होती है उसकी लोअर लिमिट, ये होती है इसकी लोअर लिमिट, और ये होती है इसकी अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। यहां पर चलता है इंटीग्रेशन और आंसर आता है एन सॉरी एक्स की पावर एन माइन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। लगता है क्या, लगता है। जब यहां पर लिमिट आ जाए तो प्लस सी नहीं लगाते। अब एक सवाल करके दिखाते हैं आपको लिमिट वाला, फिर आपको सब पूरी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। बहुत बढ़िया, एक दो सवाल, क्या एक दो सवाल पूरे अच्छे सवाल करवा देते हैं हम आपको। देखो मान लीजिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर, हाँ ठीक है चलो, एक्स की पावर फाइव डीएक्स कहां से कहां तक, टू से लेकर थ्री तक, एक्स की पावर फाइव टू से लेकर थ्री। तो अब ये जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स। फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन, अरे क्या लिख रहे हैं सर, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, जब बोलते थे जब लिमिट नहीं होती थी, अब सी नहीं, अब लिमिट लिखेंगे। तो देखो सवाल करते कैसे, देख लो पहले ध्यान से देखना क्या करते हैं। एक्स की पावर फाइव तो हो जाएगा एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन, और अब आप प्लस सी नहीं लिखेंगे, कहां से कहां तक लिखेंगे, टू से लेकर थ्री ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे टू से लेकर थ्री। अब यहां पर पहले एक्स की जगह रखेंगे थ्री, क्योंकि पहले लिखेंगे अपर लिमिट, पहले लिखेंगे अपर लिमिट, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, बस यहां से सवाल खत्म। प्लस सी की जगह हम अपर माइनस लोअर, तो पहले लिखेंगे अपर थ्री की पावर सिक्स बाय सिक्स माइनस लोअर टू की पावर सिक्स बाय सिक्स। देखो फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा, सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स, तो सिक्स ये आ गया एलसीएम, थ्री की पावर सिक्स माइनस टू की पावर सिक्स। अब बस थ्री की पावर सिक्स की वैल्यू निकाल लो और टू की पावर सिक्स की वैल्यू निकाल लो। थ्री की पावर सिक्स की वैल्यू कितनी होगी, तीन बार सॉरी छः बार तीन का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये होगा थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर कितना होगा, सेवन ट्वेंटी नाइन, माइनस एट का स्क्वायर होगा सिक्सटी फोर आई गेस, है ना, हाँ, डिवाइड बाय सिक्स एलसीएम लेकर। अब सिक्सटी फोर माइनस सेवन सेवन ट्वेंटी नाइन में से सिक्सटी फोर माइनस कर दो तो आंसर आएगा सिक्स सिक्सटी फाइव, सिक्स सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई सिक्स इज द आंसर। पॉइंट में लाना हो तो पॉइंट में ले आना, लेकिन उसने बता दिया कहां से कहां घूम रहे हैं हम, टू से लेकर थ्री तक। एक सवाल खुद करके दिखाओ, फाइव एक्स की पावर थ्री डी एक्स फाइव से लेकर नाइन, जल्दी सवाल करके दिखाओ, एक दो सवाल और कर लो, एक दो सवाल और लिखवा रहा हूं मैं। इंटीग्रल इंटीग्रल एक्स की पावर इलेवन बाय टू डी एक्स, और सवाल लिखवा देता हूं, और सवाल
इंटीग्रल x की पावर माइनस सेवन डी एक्स कहां से कहां तक, जीरो से लेकर सेवन तक। फिर लिखना है इंटीग्रल x की पावर माइनस ऑफ एट डी एक्स टू से लेकर फोर। छापो और करके दिखाओ। चलो मैं करता हूं, देखो। पहला सवाल, एक इंटीग्रेशन 5x की पावर 3 dx कहां से कहां तक, 5 से लेकर 9 तक। अब करना कैसे वो देखो। तो इंटीग्रेशन 5x की पावर 3 dx 5 से लेकर 9, 5 से लेकर 9, अरे 5 से लेकर 9, ओके। अब क्या करना है, 5 बाहर आ गया, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 कहां से कहां तक, 5 से लेकर 9। 5x की पावर 4 बाय 4 कहां से कहां तक, 5 से लेकर 9 तक। अब खेलो, पहले 9 रखो तो आ जाएगा 5 इंटू 9 की पावर 4 बाय 4 माइनस 5 की पावर 4 बाय 4। बस 9 की पावर 4 निकाल लो डिवाइड में, तो देखो ऐसा आएगा 5 इंटू 9 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 बाय 4, दिस इज द आंसर। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है जल्दी फटाफट। देखो ऐसे मत डरा करो, जैसे 9 की पावर 4 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 का स्क्वायर करना है अपन को बस। अब 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 1 1 जा 1 6 65, 6561 81 का स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये कौन सी ट्रिक से निकाल ली इतनी जल्दी, है ना क्या ना। कोई बात नहीं, सिखाते हैं तुमको, देखो सब लोग देखो, डरो मत। हाँ बेटा जानता हूँ। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल यहाँ से लेंगे सेकंड वाला। देखो 5 की पावर 11 बाय 2, 5 की पावर 11 बाय 2 dx तो होगा x की पावर 11 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 1, 11 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर 11 बाई 2 डी एक्स का आंसर होगा, प्लस के साथ c लगा दो, एलसीएम ले लो, 2 वन 2 3 13, x की पावर 13 13 बाई 2 अपॉन 13 बाय 2, 2 ऊपर 2 x की पावर 13 बाई 2 बाई 13 प्लस c, इंटीग्रल x की पावर 11 बाई 2 डी एक्स। सबका आंसर आया था यही वाला। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इसको मिटार नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ करके दिखा रहा हूँ। x की पावर माइनस सेवन डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से सेवन तक। देखो तो x की पावर माइनस सेवन डी एक्स जीरो से सेवन इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c लगाना ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से सेवन। क्या करेंगे अब, अब कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले सॉल्व कर लो। x की पावर माइनस सिक्स अपॉन माइनस सिक्स कहाँ से कहाँ, जीरो से सेवन। क्या हो जाएगा अब, पहले सेवन माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, सेवन की पावर माइनस सिक्स अपॉन माइनस सिक्स माइनस जीरो की पावर माइनस सिक्स अपॉन माइनस सिक्स, बस खत्म। यहाँ अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस एट डी एक्स टू से लेकर फोर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, सॉल्व कर दिया अपन ने, जीरो का डिवाइड कुछ भी जीरो, यानी आंसर आएगा सेवन की पावर माइनस सिक्स माइनस अपॉन सिक्स, दिस इज द आंसर। क्या आंसर का आएगा, इंटीग्रल जीरो से सेवन एक्स की पावर माइनस सेवन डी एक्स। छाप लो। एक दो बढ़िया छठे छटाए सवाल लेके आया हूं किताब में से, देख लो जरा, बढ़िया। चलो यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, कितने क्वेश्चन है अपन देख लेते हैं ना, रुक जाओ। ये तो एक है इंटीग्रेशन x की पावर 15 डी एक्स, पहला सवाल 6,40,000। दूसरा इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 3 बाई 2 डी एक्स। तीसरा इंटीग्रल 3x माइनस 4 की पावर 3 डी एक्स। और एक है फोर्थ वाला, इंटीग्रेशन
साइन एक्स डी एक्स, करो जरा सवाल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो था माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, डायरेक्ट है। और ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का होगा साइन एक्स प्लस सी। अभी लिखवा देंगे और सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे आपको, लेकिन यूज हमें यही वाला फॉर्मूला करना था, इसलिए मैंने ये फिजिक्स में यही इस्तेमाल किया जाता है। और भी करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले इतना कर लो और ये वाले क्वेश्चन में अटक गाऊंगा। करो इन तीनों सवाल, चारों सवालों में आपको जो दिक्कत आएगी, जो दिक्कत पेश आएगी वो आएगी शायद थर्ड वाले सवाल में। उसको करते कैसे वो बताते हैं हम तुमको, ठीक है? ओके, देखो सबसे पहले क्या करना है, सवाल लिखना है। इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 की पावर 3 डी एक्स, ठीक। अब आपको ये इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, आप कर लोगे तो कर लोगे, अच्छी बात है। पहले आप यह होल क्यूब का फॉर्मूला खोलो। एक सवाल ये कर सकते हो, इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 को होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल लो और फिर dx का मल्टीप्लाई करते जाओ। एक ये तरीका हो सकता था, अगर यहाँ होल क्यूब की जगह स्क्वायर होता तो आप ज़्यादा इजीली कर पाते। स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के देखो, देखो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab कितना 24x, कहाँ से कहाँ तक, ये लो कहीं से कहीं तक नहीं। अब इंटीग्रेशन का एक बार मल्टीप्लाई करो, तो इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 16 dx माइनस इंटीग्रेशन 24 dx। आप कर सकते हो ज्ञाना? हाँ कर सकते हैं। 6 बार x की पावर 3/3 प्लस 16 बार x माइनस 24x की पावर 2/2, तो 2 1 2 2 12 जा ये आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6 2x की पावर 3 माइनस 12x की पावर 2 प्लस 16x, ये हो गया प्लस c के साथ आंसर, ये आएगा आंसर आपका। हाँ 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 बेटा होल, नहीं अभी स्क्वायर कर दिया मैंने, अभी स्क्वायर करा है। हाँ सॉरी सॉरी, 3 3 9 3 3 9 सॉरी, अरे हो गई गलती भैया, इंसान है। ये लो 9, तो 3 1 3 3 3 9 ये लो आप, ठीक है। ये स्क्वायर था, अब मान लीजिए कि अब इसको ऐसे नहीं करना है तो क्या करेंगे आप? तो आप इंटीग्रेशन करेंगे पहले 3x माइनस 4 की पावर 2 डी एक्स, ग्यारह देखना ध्यान से सब लोग देखना। अब आपको क्या करना है, इसको वैसे ही करना है जैसे अपन ने किया था, इसको पूरे को t मान लो, तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 तो कितना आएगा, t की पावर 3/3। अब बस डिवाइड में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाय डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4 प्लस C, तो आंसर आएगा डिफरेंशिएट करके t की पावर 3 यानी 3x माइनस 4 की पावर 3 डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 प्लस C, 3 3 9, ठीक है 3 3 9, तो 3x तो क्या है, सवाल है इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 का होल क्यूब dx, तो आपको वैसे ही करना है, इस पूरे को x मान लो, तो क्या माना अपन ने, ये पूरा x मान लिया, x की पावर 3 dx का आंसर कितना होता था, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, यही चलने दो, यही चलने दो, ऐसे ही करने दो, तो कितना होगा आंसर, कितना आएगा देखो कैसे, ये आएगा इंटीग्रेशन का जब हम आंसर निकालेंगे तो आएगा 3x माइनस 4 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो, d बाय dx ऑफ
3x माइनस 4 से पावर हट गई, अब पावर का खेल लिए, इसको डिवाइड कर दो और प्लस सी, तो देखो क्या आएगा, 3x माइनस 4 की पावर 4 अपॉन 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का आएगा 3 प्लस चलेगा सी, इसका हो गया 0, 3x माइनस 4 की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 0 3, 3 4 जा 12, तो आंसर आएगा 3x माइनस 4 की होल पावर 4 अपॉन 12 प्लस सी इज द आंसर, ऐसे करना है ठीक है। अब इस सवाल को भी देख लो, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 की होल पावर 7 डी एक्स, तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यही करना है, इसको x मानना है, तो 3x प्लस 5 का होल पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, अब बस डिफरेंशिएशन कर दो अंदर जो है, तो d बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5, 7 की 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, तो 3x प्लस 5 की पावर 8 अपॉन 8 d बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 5, और बीच में आएगा प्लस c, तो आ जाएगा 3x प्लस 5 की होल पावर 8 अपॉन 8 इंटू 3 बाहर प्लस 0, तो 8 3 जा कितना हो गया 24 और प्लस आ गया c, दिस इज योर आंसर। आया बच्चों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। चलो ये वाला सवाल एक और सवाल करके दिखा दो, ऐसा ही बेहतरीन सा खूबसूरत सवाल, 4x प्लस 5x प्लस 1 की होल पावर 5 dx इंटीग्रेशन, जल्दी से सवाल करके दिखाओ, आपके पास केवल और केवल 5 मिनट है। चलिए मैं सवाल करके दिखाता हूँ आपको करना क्या था, यही है देखो, 4x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 की होल पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, और फिर इसको करना है d बाई डी एक्स ऑफ, अंदर जो लिखा था पावर के, तो d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की पावर 6 अपॉन 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 5x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 4 बाहर 2 बाहर x, तो 4 टू जा 8x, ये हो जाएगा 5 बाहर बाकी 0 प्लस c प्लस c प्लस c, और होल पावर इसकी चल रहा है 6, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की होल पावर 6 अपॉन 6 इंटू 4 टू जा 8x प्लस 5 प्लस सी आंसर, छाप लो। एक सवाल और है आखिरी बेहतरीन सा, चलो खूबसूरत, हाँ बेटा, अरे क्वेश्चन मैथ फिजिक्स में ऐसा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ऐसे आते नहीं है, आ जाते हैं, देखो मैं बताता हूं कैसे, जैसे ये है इस डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, तो बताओ एट टाइम 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितनी स्पीड होगी, अब ये पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही तो है, ऐसे सवाल आता है। अच्छा आ जाएगी बेटे, ये एक सवाल दिया है मैंने आपको, 7x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 3x की पावर 2 4x प्लस 1 की होल पावर 3 dx। अब इसको सवाल को करना कैसे वो देखो, सबसे पहले वही इसको पूरे को x मान लो, उसकी पावर 1 प्लस कर दो, तो 7x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई, तो d बाय डी एक्स ऑफ 7x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 3x की पावर 2 4x 1, अब क्या ऊपर की वैल्यू वैसे वैसे,
7x की पावर 5, 4x की पावर 4, 3x की पावर 2, 4x 1 की होल पावर 3 प्लस 1 4, ये आ गया 3 प्लस 1 4, गुड जॉब। डी बाय डी एक्स ऑफ 7x की पावर 5, डी बाय डी एक्स ऑफ 4x की पावर 4, डी बाय डी एक्स ऑफ 3x की पावर 2, डी बाय डी एक्स ऑफ 4x, डी बाय प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 1, ब्रैकेट खेल लो। अब क्या करना है, ऊपर की वैल्यू ऐसे सी 7x की पावर 5, 4x की पावर 4, 3x की पावर 2, 4x 1 होल पावर 4 अपॉन 4। अब इसमें खेल के 7 बाहर 5 बाहर x की पावर 4 35, 7 5 जा 35 x की पावर 4 प्लस 4 बाहर 4 बाहर 4 4 जा 16 x की पावर 3, 3 बाहर 2 बाहर 6 x की पावर 1, 4 बाहर 4 प्लस 0 साथ में चलने दो सी। अब अंतिम चरणों पे पहुंच गया आंसर, नहीं यही आंसर छोड़ो।